देता फील्ड, पूजा पूछा अपने आप में, जैसे नाम बताता है, अपने आप में पालन पोषण, नर्सिंग, स्ट्रेंथनिंग, मतलब ये अपने आप में स्ट्रेंथन की देवता फील्ड है, अपने आप में एक नरिशमेंट की देवता फील्ड है, अपने आप में एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि डिवाइन मदर की तरह काम करती है, जो कि एक पालन पोषण की तरह करती है। पुष पुष्य है ना, तो पुष्य मतलब पालन पोषण, किसी चीज का पालन पोषण की तरह ये एनर्जी फील्ड काम करती है। ये एनर्जी फील्ड के जो एट्रीब्यूट है, इसके एट्रीब्यूट में नरिशमेंट, स्ट्रेंथनिंग, डिवाइन मदर का रोल इसका मेजर रोल है। ठीक है, यहाँ पे देसी घी, ऑयल, बटर जैसी चीजें रिकमेंडेड है, यहाँ पे रखी जा सकती है, लगा जा सकती है। ये देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है जो कि दुश्मनों को आने से रोकती है, ये डर के ऊपर विजय है, ये एनिमीज का पाथ ब्लॉक करती है। ये देवता फील्ड ऐसी देवता फील्ड है जहां पे अगर बैलेंस होती है तो लॉस्ट मनी होता है उसकी रिकवरी में हेल्प करती है ये देवता फील्ड। ये देवता फील्ड केयर टेकर की देवता फील्ड, किसी जगह का, किसी बिल्डिंग का, किसी लोगों का, बाकी केयर टेक करना, उनकी स्ट्रेंथ रखना, उसकी सुरक्षा करना, उनको दुश्मनों से बचाना, उनको एनिमी से बचाना, उनको डर भय से अलग करना, दूर करना, वो सारे काम पुष्य की देवता फील्ड का कार्य है। पुष्य की देवता फील्ड का जो नक्षत्र भी है, जो रेवती नक्षत्र, उसको माना जाता है पुष्य की देवता फील्ड को। पुष्य की जो देवता फील्ड है वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है, गाइड की तरह काम करती है, इमोशनल की तरह, इमोशंस स्ट्रांग करती है, हमारा जो मेंटल प्लेन जो जिसको हम बोल देते हैं कि भाई इमोशंस के अंदर, उसको स्ट्रांग करती है, स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांग करती है, हमारे को डर के सामने विजय दिलाती है, एक सक्सेसफुल दिलाती है, एक एक एटीट्यूड हमारे अंदर क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं नेवर नेवर से डाई, अपने एटीट्यूड को गिव अप मत करो, नेवर गिव अप, एक फाइटिंग स्पिरिट हमारे अंदर पैदा करती है, एक एक ऐसे अग्नि ने, अनिल ने तो आग दी, आग अपने आप में वो आग जो है वो आकर्षण है, लेकिन वो जो आग आकर्षण है उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो पुष्य की देवता फील्ड पैदा करती है। वो जो आग है उसकी जो भरपाई है, हमारे अंदर भी अग्नि जो प्रज्वलित होती है हमारे अंदर, उस अग्नि की जो 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 उस अग्नि की जो खुराक है वो पुष्य की देवता फील्ड है, क्योंकि पुष्य जो है पालन पोषण है, पुष्य जो है नरिशमेंट है, पुष्य की देवता फील्ड, इट पुष्य की देवता फील्ड हमारे को सक्सेस पाने में हेल्प करती है, इट हेल्प अस टू डिफीट दी अवर एनिमीज, पुष्य की देवता फील्ड। पुष्य की जो देवता फील्ड है, ये देवता फील्ड एक इट इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड एज दी वन ऑफ दी 12 आदित्यास, जो 12 आदित्य है उनमें से एक पुष्य की देवता फील्ड से भी डिनोट किया जाता है। पुष्य की देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए जीवन में नए दरवाजे खोलने, अवसर खोलने, जिसमें शादी ब्याह, नई जर्नी, नई रोड, ये सब चीजों को दर्शाती है। पुष्य की देवता फील्ड क्योंकि नरिशमेंट की देवता फील्ड है, ये देवता फील्ड लोगों को खाना देना, लोगों का या जीव जंतुओं का पर से, जैसे बैल ये सब चीजों, गाय भैंस जो लोग पालते हैं, उन सबके लिए जो पालतू जानवर रखते हैं, मैं ऐसे बोलूंगा, पालतू जानवर जो रखते हैं, उन सबका नरिशमेंट, उन सबका जो है पालन पोषण करने की देवता फील्ड ये है, पुष्य की देवता फील्ड है। पुष्य की देवता फील्ड हमारे को जो जो एनिमीज होते हैं, जो लड़ाके होते हैं, या जो फिर वाइल्ड एनिमल हो गए, जो हमारे को दिक्कत पैदा करते हैं, जिससे हमारे को डर लगता है, उन सब चीजों से हमारी सुरक्षा करने वाली ये देवता फील्ड है। इट्स ए सपोर्ट सिस्टम। सम्रांगण सुधार में पुष्य की जो देवता फील्ड है उसको गॉडेस के नाम से भी एक माता, एक डिवाइन माता, डिवाइन हिंदू गॉडेस के नाम से भी इसको डिनोट किया गया है, एक सत माता के नाम से भी इसको डिनोट किया है, पुष्य की देवता फील्ड को डिनोट किया जाता है। पुष्य की जो देवता फील्ड है, ये जो सत माता है वो उनका जो नाम, उनको जो अष्ट माता है उनमें से सत माता एक हैंगी, उसका नाम है सप्तमार्तिक जो माता के नाम से भी डिनोट किया गया है। पुष्य की जो देवता फील्ड है, ये इंसान जब घर से बाहर जाता है और घर में आता है जब इंसान, तो उसमें एक जो सिक्योरिटी फैक्टर क्रिएट होता है, वो पुष्य की देवता फील्ड देते हैं कि घर से बाहर जाना, घर के अंदर आना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों में कॉन्फिडेंस आना,
वो पुष्य देवता फील्ड है जिसके अंदर डर जो होता है वो रिड्यूस करता है। पुष्य की देवता फील्ड जो है वो देवता फील्ड ऐसी देवता फील्ड है जो घर में बच्चों की उत्पत्ति में लड़के बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लड़के पैदा होने की संभावना बढ़ा देता है। हमारे को ये बात ज्यादा वो नहीं कहना चाहिए, बट यहाँ से अगर ये देवता फील्ड बैलेंस होती है तो ऐसे में ऐसे घर में लड़कों की उत्पत्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुष्य की जो देवता फील्ड है वो देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देती है, एक अपने आप को एक अपनी पहचान बनाने में सोसाइटी में खड़ा होने में एक हेल्प करती है। पुष्य की देवता फील्ड अगर जिस घर की बिगड़ी होती है उस घर के लोगों में या तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, लोग एक दूसरे के साथ बात करने में झिझकते हैं, अपनी बात को आगे लाने में झिझकते हैं, अपने अपने विचारों को प्रकट करने में झिझकते हैं, अपने अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। यही पुष्य की देवता फील्ड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस घर में हर व्यक्ति चौधरी बन जाता है, हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, अपने तरीके से बात करता है, अपनी ही बात को अपनी ही गाथा को गाता है ऐसे घर के अंदर, तो उस घर में हर व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, हर वो व्यक्ति कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मेरी बात को माना जाए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि उसकी पावर बढ़ गई। पुष्य अगर देवता फील्ड का अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो हर व्यक्ति वहां पे अपनी मनमर्जी के तरीके से जीवन को व्यतीत करना चाहता है, जीवन को जीना चाहता है पुष्य की देवता फील्ड से। पुष्य की जो देवता फील्ड है ये इट इज ए गुड देवता फील्ड फॉर द जॉब सर्विस पीपल। अगर यहाँ पे पुष्य देवता फील्ड में गेट आ जाता है इट्स ए सर्विस क्लास के लिए, ये देवता फील्ड बहुत अच्छी देवता फील्ड है, क्योंकि सर्विस क्लास का काम है कि अपने घर की स्ट्रेंथनिंग करना, उसके नरिशमेंट करना, उसको पालन पोषण करना, प्लस वहां पे जहाँ पे भी जॉब कर रहा है वो बहुत सारे लोगों का पालन पोषण कर रहा है, नरिशमेंट कर रहा है, तो इसलिए ये जॉब के पर्सपेक्टिव से इट इज ए वेरी गुड देवता फील्ड। अगर ये देवता फील्ड पे गेट खुल जाता है तो इट्स ए गुड देवता फील्ड फॉर जॉब। यहाँ से खुला हुआ गेट लोगों को हाई पोजीशन प्रदान करता है, लोगों को एमएनसी कंपनी में या फिर सरकार में भी अच्छी पोजीशन प्रदान करता है, सरकारी नौकरी भी प्रदान कर देता है यहाँ का गेट ओवरऑल इट्स ए गुड गेट इस देवता फील्ड का। यहाँ से इस देवता फील्ड के ऊपर पुष्य की देवता फील्ड पे घी को रखा जा सकता है, घी का डब्बा रख देंगे तब भी काम चलता है, तो यहाँ पे दुर्गा माता की फोटो लगाए तब भी उससे फायदा होता है, और यहाँ पे अगर एक गाय की घी का दिया जलाया जाए तब भी उससे फायदा होता है, जो पेमेंट ब्लॉक होती है उसको रिकवर करने में भी हेल्प मिलती है। यहाँ पे अगर एक लाल रंग का मैट भी रखा जाए तो भी उससे फायदा होता है, तो भी उससे जो है चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। ये देवता फील्ड एक प्रकार की एक माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चे का नरिशमेंट करने की देवता फील्ड है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे जो हॉस्पिटल क्लिनिक जो कि लेबर रूम का काम करते हैं, यहाँ पे बनाया हुआ लेबर रूम काम करता है, फायदा करता है, क्योंकि ये वो देवता फील्ड है जो माता के गर्भ से बच्चे को जो नरिशमेंट चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो निशा उसको खड़ा करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि माता अपने बच्चे को पूरी तरह से सिक्योरिटी भी प्रदान करती है, हर प्रकार से भय से दूर रखती है, हर प्रकार से डर से दूर रखती है, तो वो ये देवता फील्ड उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बनाया हुआ लेबर रूम भी काम करता है। यहाँ पे अगर इम्बैलेंस आ जाता है तो फैमिली में बॉन्डिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बॉन्डिंग नहीं होती, लोग अपनी अपनी गाथा गाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बात मानते नहीं है, समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे रखा गया फेविकॉल की ट्यूब भी लोगों में बॉन्डिंग का काम करती है, तो आप चाहिए तो फेविकॉल की ट्यूब यहाँ पे रखते हैं, जिनके घर में बॉन्डिंग की इश्यू आ रही हो तो बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी, चिपकना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से लोग फेविकॉल से। हनुमान जी की फोटो लगाने से यहाँ पे स्ट्रेंथ का काम करती है, क्योंकि हनुमान जी स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे लगाई गई हनुमान जी की फोटो एक स्ट्रेंथ की एक्टिविटी का काम करती है। यहाँ पे ब्लू कलर का आ जाना, अगेन वाटर एलिमेंट का आ जाने से नुकसान होता है, जिससे कि ये जो कारक मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया उन कारकों की एट्रीब्यूट की हानि हो जाएगी होती है। फिर उससे पुष्य की देवता फील्ड को मातृगण भी बोला जाता है, मातृगण भी पुष्य की देवता फील्ड को बोला जाता है। पुष्य की देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो शनि उसका प्लैनेट है,
पुष्य देवता फील्ड, और पुष्य की देवता फील्ड स्ट्रेंथ का कारक है, सिक्योरिटी का कारक है, रिकवरी का कारक है, एक प्रोटेक्शन का कारक है। पुष्य की देवता फील्ड में पॉप्ड राइस जो होते हैं, पॉप्ड राइस उसको यहाँ पे रखने से फायदा मिलता है। पुष्य देवता फील्ड में पॉप्ड राइस को रखा जाता है, रखा जा सकता है। पुष्य की देवता फील्ड पे गेट का तो मैंने आपको बता ही दिया, गेट यहाँ पे आया हुआ अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। एस टू पे ग्रोथ इन जॉब देता है, जॉब के लिए बहुत अच्छा गेट है एस टू का गेट, इट इज ए रिकमेंडेड गेट फॉर जॉब पीपल। पुष्य की देवता फील्ड जो एस जो कि साउथ की एस टू की एस साउथ ईस्ट की एस टू की पहली देवता फील्ड है, यहाँ पे हनुमान जी की फोटो भी आइडियल है, यहाँ पे लगाई जा सकती है। किचन की एक्टिविटी ठीक है, ट्राइंगल इसकी शेप है, यहाँ पे ग्रीन कलर एनहांसर है, यहाँ पे रेड कलर इसका अपना कलर है, येलो कलर एग्जॉस्ट कलर है, और यहाँ पे ब्लू कलर डिस्ट्रक्टिव कलर माना जाता है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखें, यहाँ पे फायर यहाँ पे पानी का किसी प्रकार से एलिमेंट आ जाना नुकसानदेह है, टॉयलेट आ जाना टॉयलेट की एक्टिविटी नुकसानदेह है, उसके लिए कॉपर को यूज करें काटे। यहाँ पे अगर बर्नर आ जाता तो बर्नर अगर वैसे तो अपने आप में ठीक है बर्नर, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि ओवर एक्सेस वहां पे एनर्जी बन गई है, तो येलो कलर के पत्थर से कंट्रोल किए। बर्नर में हमेशा एक बात को याद रखें, बर्नर के अंदर जो आग है अगर उसको कंट्रोल करना है तो येलो कलर का पत्थर यूज किया जाए, अगर उसको एनहांस करना है तो ग्रीन कलर का पत्थर यूज किया जाए, अगर उसको जोनल बैलेंसिंग करनी है अगर उसको तो उस जोन के अंदर जो अप्रोप्रिएट फ्रेंडली एलिमेंट हो येलो या ग्रीन में उसी को यूज किया जाता है। बर्नर के नीचे सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर के पत्थर यूज होते हैं, या तो ब्राउन या तो येलो या फिर ग्रीन कलर, और इनको जोन के बैलेंस कलर से चेक करके लगाना चाहिए कि उसका जोन का बैलेंस करके, जैसे कि ईस्ट के अंदर येलो कलर को लगाना एक एंटी एलिमेंट के एक्टिविटी काम करता है, ईस्ट के अंदर कभी भी येलो कलर से अग्नि को बैलेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे येलो कलर अपने आप में एक एंटी एलिमेंट का काम करता है। राइट, सेप्टिक टैंक यहाँ पे अगर आ जाता है तो नुकसान है, सेप्टिक टैंक को भी कॉपर से काट देना चाहिए। यहाँ पे ओवरहेड टैंक लगाया जा सकता है इसमें इस जोन के अंदर, बट ओवरहेड टैंक का एक अर्थ एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है तो ठीक है कि उसके ऊपर अर्थ एलिमेंट आना चाहिए, अर्थ एलिमेंट से एक्टिविटी ठीक है। लेकिन अगर वो वाटर एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, मतलब कि ओवरहेड टैंक अगर वहां पे ओवरहेड टैंक जो है स्क्वायर शेप की टंकी में रहेगा तो वो अर्थ एलिमेंट का काम करेगा, अगर वो राउंड शेप की टंकी में तो वाटर एलिमेंट का काम करेगा तो वो वहां पे नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए टंकी के शेप वहां पे काम करती है। यहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटी अलाउड नहीं है, अंडरग्राउंड एक्टिविटी अगर आ जाती है तो उसको फिर ट्रीट किया जाए, ग्रीन कलर से ट्रीट किया जाए इस जोन के अंदर। साउथ साउथ ईस्ट की जोन के अंदर टॉयलेट सेप्टिक टैंक इज नॉट अलाउड, बार इज नॉट अलाउड, स्टेयर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर यहाँ पे लगाई जा सकती है, पूजा रूम इज नॉट अलाउड, ओपन स्पेस के लिए जगह ठीक नहीं है, बाकी कोई भी बेडरूम एक्टिविटी इज ए वेरी गुड एक्टिविटी क्योंकि ये बेडरूम एक्टिविटी इंसान को बेडरूम रिलेशंस के लिए एक एनर्जी प्रदान करता है, जहां से एक अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, प्लस एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है इंसान के अंदर, एक कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो हटाता है। आग फायर एक आकृति प्रदान करता है, एक इंसान की मान सम्मान रेपुटेशन प्रदान करता है, तो एक इस जोन के अंदर आया हुआ बेडरूम एक अच्छी एक्टिविटी है, बेडरूम एक अच्छा कारक है। यहाँ पे डाइनिंग रूम यहाँ पे हो सकता है, फैमिली लॉ गेस्ट रूम यहाँ पे लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ पे ओपन स्पेस अलाउड नहीं है, ओपन स्पेस यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए इस जोन के अंदर। इसके अलावा एस टू का गेट हो गया,